सर जीपीएस के प्रांगण में पहुंचे हो, क्या कुछ आपका इनिशिएटिव था यहाँ पे और आना जो जिस वजह से हुआ है वह पर्पस बताइए अपना थोड़ा। देखो जीपीएस के अंदर एक ऐसा सुपर 40 नाम का एक बैच ये लोग शुरू कर रहे हैं कि जिसके अंदर बच्चे को छठी क्लास से लेकर के नीचे से लेकर के ऊपर तक 10th तक जब हो जाएगा तो उसको पढ़ाई से अतिरिक्त जो है अलग से शाम को रखा जाएगा, रात को यहाँ पढ़ाई करवाई जाएगी। और मैं ये देख के अभिभूत था कि वाकई में हरियाणा के अंदर प्राइवेट स्कूलों के अंदर भी ऐसी पहल हो सकती है कि भाई ऐसा एक बैच शुरू किया जाए। और जो उसकी जब मैंने फीस के बारे में पता किया तो बेहद कम फीस के ऊपर, यूँ नहीं भी कोई जेब काटने वाला काम है कि बेहद कम फीस के ऊपर बच्चों को कामयाब करके इनको आगे बढ़ाने का काम किया जाएगा। मुझे सौभाग्य मिला कि हरियाणा प्रदेश के अंदर 3031 रुपये के अंदर 600 घंटे हमने पढ़ाने का काम किया। और जो ऐसी सोच के लोग जो हैं कम फीस के अंदर बच्चों को आगे बढ़ाने का काम करते हैं, ऐसी एक संस्था का मुझे पता चला जीपीएस कैलरम। और जब इन्होंने मुझे बताया कि इसी तरह से हम एक बैच का उद्घाटन करना चाहते हैं सुपर 40 का, जिसके अंदर 39 बच्चों को हम लोग कामयाब बनाने का काम करेंगे, तो मुझे पता लगते ही तो दौड़ आना मेरा स्वाभाविक था। तो मैं जीपीएस के सारे स्टाफ को बिल्कुल मेरी तरफ से शुभकामनाएं देता हूं कि शिक्षा के क्षेत्र में आप इसी तरह से काम करते रहिएगा। सर गांव देहात का एक मात्र सबसे पुराना स्कूल है यहां का, और कुछ बच्चों को भी जो एलुमनाई थे यहां के उनको भी सम्मानित किया गया, अलग अलग क्षेत्रों में ख्याति प्राप्त की है जिन्होंने, उन पर आपकी प्रतिक्रिया? बिल्कुल, यहां जब हमने यहां से इन स्टाफ से बात की तो 100 से अधिक बच्चे जो उनके जेई नीट्स के अंदर है, MBBS के अंदर है, बड़े बड़े पोस्टों के ऊपर जो यहां के बच्चे जो है वो लग चुके हैं। और आगे जब ये सुपर 40 जो है एक बैच ये पहले चला चुके हैं, अगर सुपर 40 का जो अगला सेकेंड बैच जब निकलेगा तो उसके बाद तो हरियाणा प्रदेश के प्रत्येक कोने कोने के अंदर प्रत्येक डिपार्टमेंट के अंदर जीपीएस का छात्र छात्राएं होंगे, ऐसी मेरा विश्वास है। और ऐसी इन्हीं शुभकामनाएं मैं इनको देता हूं कि बिल्कुल ऐसा ही हो कि दिन दोगुनी रात दोगुनी पढ़ाई के मामले में तरक्की करें लोग। शुक्रिया सर।